इन चार पंक्तियों से मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि आजकल दल बदलू नेताओं का जमाना है, ये कैसे पैदा होते हैं इसका फॉर्मूला बताना है कि बाबू सांप का जहर, बिच्छू का डंक, लोमड़ी की चलांकी, गिरगिट का रंग, कौवे की काई काई, गधे की पीठ, घोड़े की उम्र, कुत्ते की दम, इन सबको मिलाओ और अच्छी तरह से हिलाओ, ऊपर से डाल दो 10 किलो का रेता, 10 दिन बाद पैदा होगा दल बदलू नेता। एक बार जोरदार ताली बजाइए डॉक्टर अमीन नाजा माइक पर। सही रखे स्टेज पर उपस्थित कविगण और पिंडाल में आए हुए वृक्षा वाले और अतिथिगण, ये चार पंक्तियां मैं सुल्तानपुर की धरती सहनवा गांव से आपका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। ये मित्र सुल्तानपुरी अशोक कुमार, वेद प्रकाश जी और उमाकांत वेद प्रकाश प्रधान जी, अपने गांव की तरफ से और सब तरफ से आप सबके इच्छा चिंतियों से शुक्रिया अदा करते हैं, यानी धन्यवाद देते हैं कि आपको हमने आमंत्रित किया और आप हमारे यहाँ पधारे। चार पंक्तियों से हाँ स्वागत है। कर ली मंजूर आज आपने दावत मेरी, वाह, कर ली मंजूर आज आपने दावत मेरी, कर ली मंजूर आज आपने दावत मेरी, मैं खुश नसीब बुलंदी पे है किस्मत मेरी। आपने देखा है कि रास्ते भी बड़े टेढ़े मेढ़े हैं, वो ये भी कह रहे हैं विक्टर सुल्तानपुरी और उनका पूरा परिवार, इनके गांव वाले क्या कह रहे हैं कि आने जाने में कुछ तकलीफ तो हुई होगी, पर आपके आने से है बढ़ गई इज्जत मेरी, आपके आने से है बढ़ गई इज्जत मेरी, आने जाने में कुछ तकलीफ तो हुई होगी, आपके आने से है बढ़ गई इज्जत मेरी, आपके आने से है बढ़ गई। रंगे महफिल सजा रहा हूँ मैं और गीत उल्फत का गा रहा हूँ मैं, गीत उल्फत का गा रहा हूँ मैं, रंगे महफिल सजा रहा हूँ मैं, दूर से आए सभी छोटे बड़े विक्टर सुल्तानपुरी की शादी है, जश्न शादी मना रहे हैं हम, जश्न शादी मना रहे हैं हम, विक्टर सुल्तानपुरी की शादी पर तिलक उत्सव मना रहे हैं हम, तिलक उत्सव मना रहे हैं हम। और चार पंक्तियां, आज की रात ही अनोखी है, यानी हर बात ही अनोखी है, दूर से आए हुए छोटे बड़े ये मुलाकात ही अनोखी है, ये मुलाकात ही अनोखी है, दूर से आए सभी छोटे बड़े ये मुलाकात ही अनोखी है। और विक्टर सुल्तानपुरी के इस तिलक उत्सव वृक्षा पर आज वो दूल्हा बनने का उनका वक्त आ गया है। मैं कुछ पंक्तियों पर, और जश्न शादी मनाने के दिन आ गए, जश्न शादी मनाने के दिन आ गए, हाँ दिन आ गए,
इनको दूल्हा बनाने के दिन आ गए, इनको दूल्हा बनाने के दिन आ गए, जश्न शादी मनाने के दिन आ गए, इनको दूल्हा बनाने के दिन आ गए। और देखिए, मान दे कर दुआ ये खुशी से कहा, मान दे कर दुआ ये खुशी से कहा, ये खुशी से कहा, और चांद सी बहुलाने के दिन आ गए, चांद सी बहुलाने के दिन आ गए, इनको दूल्हा बनाने के दिन आ गए, इनके भाई भी खुश हो के कहने लगे। बहुत दिन मालो जर इकट्ठा किए रहे, बड़ा खुशी में कहा था, इनके भाई भी खुश हो के कहने लगे, इनके भाई भी खुश हो के कहने लगे, और मालो जर अब लुटाने के दिन आ गए, मालो जर अब लुटाने के दिन आ गए, इनको दूल्हा बनाने के दिन। आइए, हम हमारी माँ बहने बैठी हुई हैं, बेटी पक्ष से जो आई हैं और बेटी पक्ष से जो वृक्षा चढ़ाने वाले हैं, कि बेटियां क्या होती हैं, मैं बेटियों पर एक पढ़ता हूँ। माँ जैसे कोई दुनिया में, यही माँ बेटी है, यही माँ बेटी है, यही माँ देवी है, यही माँ बेटी है, यही माँ सारी कई पोस्टें हैं माँ की। तो मैं माँ के माँ से पढ़ता हूँ। माँ जैसे कोई दुनिया में औरत न मिलेगी, ममता से भरी प्यार की मूरत न मिलेगी, माँ जैसे कोई दुनिया में औरत न मिलेगी, ममता से भरी प्यार की मूरत न मिलेगी, सब चीज तो बाजार में मिल जाएगा लेकिन हर चीज तो बाजार में मिल जाएगी लेकिन माँ बाप से बढ़कर कहीं दौलत न मिलेगी, हर चीज तो बाजार में मिल जाएगी लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आइए, मैं बेटी पर एक प्रश्न पढ़ता हूँ। इनको आंसू भी जो मिल जाए तो मुस्काती है, इनको आंसू भी जो मिल जाए तो मुस्काती है, बेटियां तो बड़ी मासूम हैं जज्बाती हैं, बेटियां तो बड़ी मासूम हैं जज्बाती। बहुत लड़के हों, जिस घर में लड़की नहीं है वो घर घर नहीं है, एक बेटी हो तो खिल उठता है घर का आंगन, घर वही रहता है पर रौनक बढ़ जाती है, घर वही रहता है पर रौनक बढ़ जाती है, इनको आंसू भी जो मिल जाए तो मुस्काती है, सब कोई इज्जत मिली, सब कोई अजमत मिली, सब कोई इज्जत मिली, सब कोई अजमत मिला,
और सबका रुतबा बढ़ाया मेरे भीम ने, सबका रुतबा बढ़ाया मेरे भीम। भीम के चाहने वाले इस मिसरे को जरूर सुनिएगा। और खैच दी जो होला मी के जंजीर को, खैच दी जो गुलामी के जंजीर को, हम सभी को छुड़ा या मेरे भीम ने, हम सभी को छुड़ा या मेरे भीम ने। और ऊंच और नीच की रस्म को तोड़कर, ऊंच और नीच की रस्म को तोड़कर, हाथ में सब खुशी से तलवार दी, हम थे यने पड़े अला चार थे, पढ़ न लिखे ना सिखा या मेरे भीम ने, पढ़ न लिखे ना सिखा या मेरे। आइए देखिए, वक्त बहुत कम है, बहुत से कवि हैं।